दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने बल्ले से रिंकू ने चयनकर्ताओं को दिया है मुंहतोड़ जवाब। दिलीप ट्रॉफी में गर्जा रिंकू का बल्ला, चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए मचाई है इस कदर तबाही, थर थर कांप उठा है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे रिंकू ने अपने बल्ले से लिखा है नया इतिहास, तूफानी शतक से कैसे उन्होंने उड़ाई विरोधी टीम की धज्जियां, उनकी यादगार पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2023 में अपने बल्ले से तांडव मचाने वाले रिंकू सिंह, जिन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर अपनी टीम को असंभव सी जीत दिलाई थी, किसने सोचा था कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, जहां अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी कराई, लेकिन रिंकू सिंह को उन्होंने पूरी तरह से नदारद कर दिया और उनके नाम के बारे में सोचने पर भी विचार नहीं किया गया। इसके बाद तो केवल रिंकू ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों का भी दिल टूट गया। सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब रिंकू ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए चयनकर्ताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दरअसल आपको बता दें, वर्तमान में दिलीप ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें रिंकू के बल्ले का जादू एक बार फिर हमें देखने को मिला और एक बार फिर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पहले दिन से ही वेस्ट जोन की टीम को रिंकू सिंह की टीम पर हावी लग रही थी। आपको बता दें, रिंकू सिंह सेंट्रल जोन के लिए खेलते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट जोन की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने शानदार 132 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 291 रनों तक पहुंचाया। इसके जवाब में उतरे सेंट्रल जोन के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। जी हां दोस्तों, हालत ऐसी हो गई, केवल 26 रनों पर सेंट्रल जोन ने अपने 3 विकेट गवा दिए। उस वक्त मैदान में उतरते हैं रिंकू सिंह और फिर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाते हैं जिसने पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका एक बार फिर बजा दिया। जी हाँ, एक तरफ से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब रिंकू मैदान में होते हैं तब खौफ का मंजर केवल गेंदबाजों के चेहरे पर दिखाई देता है और ऐसा ही कुछ नजारा हमें एक बार फिर से देखने को मिला। अन्य बल्लेबाज तो अपने घुटने टेक गए, लेकिन रिंकू को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पाई। आते ही उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से इतना शानदार छक्का लगाया जिसे देखकर ही गेंदबाज से लेकर विरोधी टीम के पसीने छूट गए। देखते ही देखते उन्होंने वेस्ट जोन के खेमे में खलबली मचा दी। उनके गेंदबाजों ने रिंकू को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन रिंकू तो कुछ और ही सोच कर आए थे। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने मैदान को जीतते हुए शानदार चौका बटोरा और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो रिंकू ने गेंदबाजों का करियर तबाह करने की ठान ली और टेस्ट मैचों को टी20 नहीं बल्कि सीधा टी10 बनाते हुए उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते वो अपनी टीम की वापसी करा चुके थे और जैसे ही मुकाबला बराबरी पर आया, रिंकू कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। जहां अब तक गेंदबाजों का दबदबा था, तो वहीं एक ही ओवर में रिंकू ने पूरे मुकाबले का रुख पलटकर रख दिया। इस ओवर में रिंकू ने गेंदबाज की लगातार 3 गेंदों पर पहले मिड ऑन, मिड विकेट और गेंदबाज के सिर के ऊपर से 3 खौफनाक छक्के जड़कर गेंदबाज की दिशा दशा बिगाड़ दी और कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रिंकू इतने में ही नहीं रुके, ओवर की आखिरी गेंद पर भी करारी ड्राइव से चौका बटोर कर उन्होंने इस ओवर में 24 रन बटोरे। इसी के साथ उन्होंने 95 रनों का आंकड़ा छू लिया। हर कोई उनकी बल्लेबाजी देखकर दंग था, तो वहीं अब उनको शतक देखने के लिए हर कोई बेताब था। पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। उन्होंने भी अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को बाउंसर मारी, लेकिन रिंकू भी शेर पर सवा शेर है। उस पर विकेट के पीछे शानदार अपटकट से रिंकू ने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जी हाँ, इसके लिए उन्होंने केवल 77 गेंदों का सामना किया। 101 रनों की अपनी तूफानी पारी से रिंकू ने 6 खौफनाक छक्कों और 5 बेहतरीन चौकों से सजाया और अकेले दम पर ही उन्होंने विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी और चयनकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, अब रिंकू सिंह की शानदार शतक की पारी देखने के बाद आपको क्या लगता है, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका दिया जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।